हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? एक्चुअली मेरे एक व्यूवर ने पूछा था, सर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट 1 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक और वीडियो बनाया है, वहाँ पर स्ट्रक्चर दूसरा है, उसका मीनिंग भी दूसरा है। यहाँ पर हम लोग दूसरे मीनिंग को जानेंगे। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। अब यहाँ पर जो है आर साइलेंट है, मो ही पढ़ते हैं इसको, मोर एंड मोर। और एंड को भी एंड नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ता है एन, यहाँ भी डी साइलेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस लगाइए और लास्ट में लगा दीजिए मोर एंड मोर, इस फ्रेज का यूज कीजिएगा। अब इसको बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। मेरा एक्चुअली गला ख़राब है तो आवाज़ जो है आपको उतना भी क्लियर नहीं मिलेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो आज का पहला सेंटेंस है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीनिंग समझते हैं पहले। यहाँ पर सेंटेंस दो सिचुएशन बन सकते हैं, या तो वो मजबूरी हो सकता है कि वो काम आपको करना है, फ्यूचर में हो सकता है करना पड़ेगा, या नहीं तो हम लोग सामने वाले को एडवाइस करते हैं या अपने आप को जो सलाह देते हैं कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए, भले ही हिंदी में चाहिए नहीं भी आए, अगर सेंस है। जैसे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तुम सामने वाला क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, भले यहाँ पर ना आया है। अगर मजबूरी दिखाना है कि तुम्हें पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर हैव टू से बनाएंगे। दूर पहले मजबूरी बना देखते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। अगर एडवाइस दे रहे हैं तो बोलेंगे यू शुड रीड मोर एंड मोर, यू शुड रीड मोर एंड मोर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टडी भी कर सकते थे वहाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। अब यहाँ पर देखिए, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी, आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी। अगर मजबूरी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना पड़ता है या कमाना है, तो इसके लिए बोलेंगे आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी, आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। इस सेंटेंस के लिए कहिएगा यू हैव टू स्कोर मोर एंड मोर नंबर इन द एग्ज़ाम, यू हैव टू स्कोर मोर एंड मोर नंबर इन द एग्ज़ाम, या इन द एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अगर सलाह देंगे तो यू शुड स्कोर द गुड मार्क्स, या यू शुड स्कोर मोर एंड मोर नंबर इन द एग्जामिनेशन। गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक लें, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।